पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति के साथ एक आकर्षक जगह है। इसके पास बहुत प्राकृतिक संपदा भी है। देश के बारे में कई अनोखे तथ्य हैं जो यात्रियों को इस जगह की ओर आकर्षित करने के लिए निश्चित है। आज हम घाना के बारे में बताने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। घाना पश्चिमी अफ्रीका का देश गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। हालांकि क्षेत्र और आबादी में अपेक्षाकृत छोटा, घाना अफ्रीका के अग्रणी देशों में से एक है। आंशिक रूप से इसकी काफी प्राकृतिक संपद के कारण और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला सहारा के दक्षिण में पहले काला अफ्रीकी देश था। घाना 2,38,535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यूएन के आंकड़ों के अनुमानों के आधार पर घाना की वर्तमान जनसंख्या 3,34,83,283 है। चलिए घाना के कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय वोल्टा झील घाना में अकोसोम्बो बांध के पीछे स्थित एक कृत्रिम जलाशय है। यह 8,502 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और जमीन क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। सोने और हीरे से भरपूर, घाना अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सातवां सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। 2016 में देश ने 2.39 अरब डॉलर मूल्य के सोने का निर्यात किया। कोई आश्चर्य नहीं कि घाना को पहले गोल्ड कोस्ट नाम दिया गया था। दूसरा सबसे बड़ा कोकोआ उत्पादक, जी हां, कोकोआ घाना के प्रमुख निर्यात उत्पादों में से एक है। 2016 में घाना ने 2.27 बिलियन डॉलर, 382 मिलियन डॉलर और 252 मिलियन डॉलर मूल्य के कोकोआ बीन्स, कोकोआ पेस्ट और कोकोआ मक्खन का उत्पादन किया। परंपरागत रूप से एक राष्ट्र के रूप में घाना को तीन अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया था, अर्थात रॉयल्स, कॉमर्स और गुलाम। आज तक पारंपरिक वर्ग स्तरीकरण को अभी भी मान्यता प्राप्त है। हालांकि आज के घाना में गुलामी प्रमुख नहीं है। घाना पे बहुविवाह कानूनी है और लोगों को बहुविवाहित परिवारों से कोई समस्या नहीं है। जितना मर्जी उतना शादी कर सकते हैं, जहां तक कि कमाने वाला परिवारों के लिए पर्याप्त रूप से प्रदान कर सकता है। हालांकि एक से अधिक पत्नियों से शादी करना अक्सर समाज के धनी और शक्तिशाली सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं होता है। घाना अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करता है, हालांकि इसमें एक विशिष्ट पश्चिम अफ्रीकी उच्चारण है। अधिकांश घाना के लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं जो अधिमानतः रेशम से बने होते हैं। घाना के बच्चे ज्यादातर औपचारिक स्कूल के समय के बाद या तो खेल खेलते हैं या नृत्य करते हैं। घाना अपनी बहुल जनसंख्या दर के कारण इस क्षेत्र में गरीबी से जूझ रहा है। देश के दक्षिणी भाग में रहने वाले अधिकांश लोगों को उत्तर के लोगों की तुलना में अमीर माना जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए व्यंजन उबला हुआ कसावा, केला और रतालू होते हैं, जिन्हें आमतौर पर फूफू के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिले है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।